हमको जो पब्लिक वाटर सप्लाई आना चाहिए वाटर बोर्ड से, यहाँ के दो मसले हैं। कब तक हम ये है कि आधी रात को उठ के पकड़ेंगे, और कब तक ये है कि हम पब्लिक टैप से हम पकड़ेंगे और वहां पर कुश्ती होती रहेंगी। और ये पता रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी है सरकार की और कॉरपोरेटर की कि हर फर्द को पर पर्सन पर डे 140 लीटर्स मैंडेटरी है एक स्टैंडर्ड हाइजीन और हेल्थ के लिए। ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रहा है और यूनियन गवर्नमेंट भी बोल रही है। तो उतनी क्या हर फर्द को मिल रहा है, हर पर पर्सन पर डे को क्या उतना मिल रहा है, ये देखनी किसकी जिम्मेदारी है। और आगे हम लोग एक नसीब वाले हैं कि उस जमाने की उस्मान सागर की जो है वो पानी हमको पहुंच रहा था, लेकिन हम उस्मान सागर की जो सर्वे हुई है हम देखे कि उसके अंदर सरकार फेंसिंग कर रही है। उस्मान सागर ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर को छोटा छोटा करते जा रही है, उसके अंदर ओरो स्पोर्ट्स जैसे और कई कई इंक्रोचमेंट्स है। हम आपको वादा करते हैं कि उस्मान सागर को हम बराबर सत्याग्रह करके भी है तो क्या हम पूरी रिजर्वायर को हम हासिल करेंगे, हर इंक्रोचमेंट को निकालेंगे और बराबर आसिफ नगर के और कई अपने ओवर सिटी के इलाकों के लिए उस पानी को, उस्मान सागर के स्वीट वाटर्स को, मीठी पानी को और हिमाचल सागर पानी को हम बरकरार रखेंगे।